हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल। ओके, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। इंग्लिश कोना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इस चैनल पे पिछले कुछ वीडियो से, वो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक था और वो था कोल्ड वॉर। शीत युद्ध, ठंडा युद्ध या लड़ाई। आज गर्मी हो गई थी 2 4 दिन से, तो अभी बारिश के कारण से कोई है कोल्ड वॉर ही हो गया है, ठंड हो गई है। इस कोल्ड वॉर में कुछ चीजें या कुछ जो इसके एस्पेक्ट थे वो हम पहले वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो देखे नहीं है तो एक बार उनको देख लीजिए, जिससे कि आज वाला वीडियो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। क्यों कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किन किन के बीच में हुआ, यह सारी भी चीजें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो मेन या मेजर ऑर्गेनाइजेशन उस समय क्रिएट हुए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, उनका कैसा सिस्टम था, कौन से ईयर में उनको एस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से कंट्रीज जो है वो उनके फाउंडर मेंबर थे, कब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो गए, ये सारी चीजों के बारे में और कुछ अदर थिंग्स के बारे में आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपनी जो प्रोसेस है उसको और आगे लेके चलेंगे, डोंट वरी। तो इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू हो, आप सभी जो है वो एक बार मन लगा के सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और उसके साथ साथ लाइक और शेयर करने के लिए भी आप तैयार रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चलिए एक एक करके हम सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। जो मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन उस समय बिल्ड हुए थे या बिल्डअप हुए थे, उनमें एक था नेटो, एक वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो ऑर्गेनाइजेशन, एक था सीटो, एक सेंटो और एक जो फिफ्थ वाला था वो था नाम। तो वन बाय वन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं नेटो के बारे में जानते हैं। 1949 में इसको बिल्ड किया गया, बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मेंबर कौन कौन से थे? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, लग्जमबर्ग और यूके। टोटल 12 मेंबर्स थे, फाउंडर मेंबर्स। 1949 में इसको स्थापित किया गया था या इस संगठन को बनाया गया था। फाउंडर मेंबर जो हैं वो है 12। कौन कौन से थे उस समय 1949 में जो इसके सदस्य थे, मेंबर थे, वो सारे नाम यहाँ पे आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे जो हैं वो फाउंडर मेंबर्स। ठीक है, अभी तक भी ये जो नेटो है वो चल ही रहा है, इसका अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त नहीं किया गया है या इसका अभी तक विघटन नहीं हुआ। चलिए दूसरा जो था वो है वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं ये स्थापित हुआ था 1955 में, 1955। ठीक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो हैं सोवियत यूनियन, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और अल्बेनिया। कौन कौन से हैं? सोवियत यूनियन, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और अल्बेनिया। 1955 में इसको बनाया गया था और 1991 में ये जो था ये ऑर्गेनाइजेशन एंड हो गया या इसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद से ये अस्तित्व में नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है 1991 के बाद से। ठीक है, लीडर था इसका सोवियत यूनियन, नेटो का लीडर जो है वो है यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दो दो मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके फाउंडर मेंबर्स है, कब बने थे और कब एंड हो गए वो ईयर है, इसका अभी तक एंडिंग हुआ नहीं है तो इसका एंड ईयर नहीं लिखा है, ये अभी तक चल ही रहा है। ये जो सोवियत यूनियन की लीडरशिप में जो ये बना था वॉर्सो पैक्ट, इसका जो एंडिंग है या जो इसका विघटन है वो 1991 में हो चुका है, क्योंकि इसका एंडिंग हुआ तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का भी एंडिंग हो गया। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में से जो बाहर निकला था वो था अल्बेनिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक एक करके सारन जो है वो ईस्ट जर्मनी चला गया, फिर पोलैंड चला गया, तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया और 1991 में एंडिंग हो गई। अब चलते हैं बाकी के ग्रुप्स की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उनके कौन मेंबर हैं, कैसे कैसे हैं। चलिए चलिए, ये तो सीटो है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1954 में हुआ, 1954 में, और इसके जो पार्टिसिपिंग जो मेंबर हैं या जो फाउंडर मेंबर हैं वो पाकिस्तान है, थाईलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस
है, फ्रांस है, यूएस है और न्यूजीलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर है। पाकिस्तान, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, फ्रांस, यूएस और न्यूजीलैंड, ये 8 मेंबर्स हैं सीटों में। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 1977 इसका विघटन हो गया या इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसमिस कर दिया गया था, पावर में नहीं था, एक्शन में नहीं था। तो ये है सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन। सेंटो के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो है ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान और यूके। एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1955 में, इन पांच जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके साथ में। और 1979 में इसका एग्जिस्टेंस जो था, अस्तित्व जो था, वो खत्म हो गया 1979 में। अब बात करते हैं नाम, नॉन अलाइड मोमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष संगठन, कौन कौन से इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, लीडर जो है वो तो है ये, गुट निरपेक्ष संगठन के जो लीडर हैं, नेतृत्व नेता जो है वो है इंडिया, ये इसके साथी हैं यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। फर्स्ट जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1956 में, कब हुई थी, 1956 में, और तब से हम नॉन अलाइड हैं। और इसका काम भी यही था कि जो न्यूली फ्री फ्रीडम गेन करने वाले कंट्रीज हैं उनको दोनों ही जो सुपर पावर्स ग्रुप थे या जो अलायंस थे उनके अंदर जाने से रोकना। तो इस ये जो संगठन था नॉन अलाइड मोमेंट, इसका एकमात्र जो मेन पर्पज था बनाने का वो यही था कि एक नई दुनिया बनाना या नया ग्रुप बनाना जिससे कि जो सुपर पावर्स हैं उनके जो भी अलायंस बने हुए हैं, जैसे नेटो था या वॉर्सो पैक्ट था या फिर ये सीटो सेंटो है, इनके अंदर वो पार्ट नहीं लें या मेंबर नहीं बने, वो अपने तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें और अपनी जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करें। तो ये है हमारे उन मेन ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। इससे आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक तो डेफिनेटली आपको करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।